Hello students, welcome to Digimento Education. The topic that we are going to do today is the usage of has, have and had. हमारे पास पिछले कुछ समय में बहुत सारी inquiries आई या बहुत सारी queries आई regarding the usage of has and get. Actually कई लोगों को समझ नहीं आता कि वो have को कहाँ use करेंगे या कैसे use करेंगे और get को, क्योंकि ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो कि बहुत सारी जगहों पे यूज़ होते हैं एंड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस वो अपने मतलब बदल देते हैं, स्पेशली अगर हम हैज़ हैव की बात करते हैं, क्योंकि ये एक वर्ड ऐसा है जो कभी कभी हमारा टेंसेज में एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होता है और इसके अलावा ये मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होता है. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजेज ऑफ हैज़ एंड हैव एज द मेन वर्ब, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे यूजेज ऑफ गेट एज अ मेन वर्ब. तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का लेसन, विच इज़ द यूजेज ऑफ हैज, हैव एंड हैड. हैज एंड हैव, जिसे हम कहते हैं होना, या अलग अलग सेंटेंसेस में मतलब बदलता है. परफेक्ट टेंस के केस में हम इसे एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, जो आपने टेंसेज में सीखा था कि जब भी परफेक्ट टेंस होता है उस केस में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैज़ और हैव होता है, और प्रेजेंट में और पास्ट में हमारा हैड हो जाता है, विच इज़ अगेन अ पास्ट फॉर्म ऑफ हैज़ और हैव. क्योंकि अगर हम इन्हें एज अ मेन वर्ब यूज़ करते हैं तो ये टेंसेज लाइक फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म चेंज होते हैं. ये एक मेन वर्ब की तरह भी एक्ट करते हैं, और इस वीडियो में हम मेनली बात करने वाले हैं हैज़, हैव, हैड की एज मेन वर्ब्स. तो हम बात करने वाले हैं हैज एंड हैव की एज अ मेन वर्ब्स. सो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की. तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की, तो इस केस में हम आई, वी, यू, दे और प्लूरल जो होता है उसके साथ वर्ब की जो फॉर्म होती है वो हैव होती है, और जब हम इसे नेगेटिव या इंटरोगेटिव में ले जाते हैं तो डू नॉट या डोंट के साथ हम हैव को ही यूज़ करते हैं. वहीं पर जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर्स की बात करते हैं, जो हमने टेंसेस में सीखा था, ही, शी, इट या किसी का नाम या कोई सिंगुलर चीज़ हो सकती है, उसके साथ एज अ मेन वर्ब हम हैज़ यूज़ करते हैं. लेकिन जब हम डज लगाते हैं लाइक डजंट या डू, डज इंटरोगेटिव के केस में, उस केस में ये जो हमारा हैज़ है ये हैव बन जाता है. सो हम यूज़ करते हैं डजंट हैव. इन केस ऑफ अ पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में एक ही हमारा वर्ब यूज़ होता है हैड, इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्लूरल सब्जेक्ट्स और द सिंगुलर सब्जेक्ट्स. और इन केस ऑफ नेगेटिव या जब भी हम डिड लगाते हैं तो उसके साथ हम वर्ब को अगेन फर्स्ट फॉर्म में ले आते हैं. लेकिन यहाँ पर हम हैज़ नहीं यूज़ करते, सिर्फ हैव ही यूज़ करते हैं. ही डिडंट हैव, कभी नहीं कहते ही डिडंट हैज़, राइट. सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर जब हम इसको डिड के साथ लगाएंगे तो हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ हैव को यूज़ करेंगे, ना कि हैज़ को. देन इन केस ऑफ अ सिंपल फ्यूचर टेंस, जब हम बात करते हैं तो हमारा विल होता है मेन वर्ब, हमारा हेल्पिंग वर्ब, और उसके साथ जो वर्ब की फॉर्म हम यूज़ करते हैं हैव. आई विल हैव डन दिस, और आई विल हैव अ पेन, आई विल हैव दिस. तो हम विल के साथ हैव यूज़ करते हैं, अगेन इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, सिंगुलर, सब, प्लूरल, सब्जेक्ट, सब के साथ विल हैव यूज़ करेंगे. इन केस ऑफ अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पहले हमने सिंपल टेंस देखा, अब हम कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं. कंटिन्यूअस टेंस के केस में हम जानते हैं आई होता है और आई के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब एम होता है, और यहाँ पर कंटिन्यूअस में हमारा जो वर्ब होता है वो आईएनजी फॉर्म में होता है. कई लोग इसे V4 भी बोलते हैं, बट हम ये भी कह सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगा देते हैं, जो कि हमने टेंसेस में सीखा था. तो ये हो गया हमारा आई, am, having, उसके बाद आप जो भी आप लगाना चाहते हैं. इन केस ऑफ प्लूरल्स, दैट्स वी, यू, दे एंड प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब होता है हमारा आर, और उसके साथ अगेन आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब, और क्योंकि यहाँ हम वर्ब हैव कर रहे हैं सो इट इज़ हैविंग. इन केस ऑफ सिंगलर्स, थर्ड पर्सन सिंगलर लाइक ही, शी, इट या किसी का नाम या कोई भी सिंगलर चीज़,
helping verb is hota hai aur verb is ing, that is having. In case of past, देखिए present में हम जानते हैं कि continuous tense में जो हमारे helping verbs होते हैं वो होते हैं हमारे am, is, and are. In case of past continuous, हमारे जो helping verbs होते हैं सिर्फ दो होते हैं, that is was and were, right? Was हमेशा third person singulars के साथ आता है और were जो है बाकी सब के साथ except I, क्योंकि I यहाँ पे अलग था, am के साथ था. In case of past continuous tense, I हमेशा was के साथ आता है या was हमेशा I के साथ आता है, आप ये कह सकते हैं. So in past continuous tense, we, you, they, are. Helping verb है हमारा were and ing form, that is having. And here's third person singular, he, she, it, name or something singular. और यहाँ पे जैसा हमने अभी देखा, यहाँ पे I हमारा past continuous में singulars के साथ चला जाता है, so यहाँ पे भी वो है. And was having, helping verb was है और ing form of the verb that's having. In case of future continuous tense, it is will be, हमारा verb है, helping verb है, and again the ing form of the verb, that is your. अब हम बात करते हैं perfect tense की. तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की. हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, ही, शी, इट, या किसी का नाम या कोई सिंगुलर चीज़, उसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज़ होता है और मेन वर्ब हमारा हैड होता है. क्योंकि हम जानते हैं जब भी हम वर्ब की पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं या परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, दैट इज़ योर पास्ट पार्टिसिपल, उसको यूज़ करते हैं. और पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पर हमारा क्या है, अगर हम देखते हैं हैज़ और हैव, पास्ट इज़ योर हैड एंड द थर्ड फॉर्म अगेन इज़ योर हैड. तो यहाँ पर हम हैड को यूज़ कर रहे. जब हम बात करते हैं हमारा प्रेजेंट टेंस के सेकंड सेट्स की, दैट्स आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब हैव होता है. और अगेन हम जानते हैं परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, विच इज़ योर हैड, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा. इन केस ऑफ अ पास्ट परफेक्ट टेंस, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैज़ हैव नहीं बल्कि हैड होता है, तो उसके साथ भी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, सो हैड हैड. इन केस ऑफ अ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है विल हैव, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आएगी, तो अगर हैव हम यूज़ कर रहे हैं तो वो भी हैड ही होगी. अब हम बात करने वाले हैं उन कंडीशंस की, उन सिचुएशंस की, जहाँ पर हम हमारा हैज़ हैव को यूज़ करते हैं एज अ मेन वर्ब. हैड इसलिए लिखा है वहाँ पे क्योंकि पास्ट टेंस में या परफेक्ट टेंस के केस में वो हैड बन जाता है, बट नॉर्मली वी यूज़ इट एज हैज़ और have. So the first condition is, जहाँ पर हम has have को use करते हैं, it is to show possession or ownership. जब भी हम किसी तरह का possession दिखाते हैं, possess मतलब किसी चीज़ पे अधिकार होना या ownership होना, तो उस केस में हम हमेशा has or have को as a main verb use करते हैं. अब कई लोगों का मानना होता है ओनरशिप या पोजेशन वो होता है जिस पे आपका पूरा अधिकार होता है, जिसे आप, जिसके लिए आपने पैसे खर्चे हैं, जिसके लिए आपने अपनी मेहनत से ख़रीदा है उसे, लेकिन ऐसा नहीं होता. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आप वर्किंग नहीं हैं, आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं, और आपके पेरेंट्स ने आपको एक बाइक खरीद के दिया या आईफोन खरीद के दिया, नया लेटेस्ट आईफोन 7 या 8 खरीद के दिया, तो आप ये नहीं कहते कि मेरे पापा का फ़ोन है, आप तब भी ये कहते हैं ये मेरा फ़ोन है, चाहे उसकी पेमेंट आपके फादर ने या मदर ने की हो, लेकिन फिर भी क्योंकि आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका फ़ोन कहलाया जाता है. सो आपको ये समझना पड़ेगा कि पोजेशन या ओनरशिप का मतलब हमेशा वो नहीं होता जिसे आपने ख़रीदा है, लेकिन यूजुअली हम ओनरशिप या पोजेशन हम इस कहते हैं जब आप उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं. सो द फर्स्ट इज़, इट इज़ यूज टू शो सम काइंड ऑफ पोजेशन और ओनरशिप. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम कि किस तरह से हम इसे यूज़ करते हैं. द फर्स्ट इज़, आई हैव इनफ मनी टू बाई अ न्यू हाउस.
I have, यानी मेरे पास काफ़ी पैसे हैं, enough money to buy a new house, मतलब अभी मैं एक किराए के घर में रह रही हूँ, तो मेरे पास इस समय काफ़ी पैसे इकट्ठे हो गए हैं जिससे मैं एक नया मकान खरीद सकती हूँ. So I have enough money to buy a new house. Mohit goes to office by bus as he does not have a bike. अब मोहित जो है वो हमेशा रोज़ अपने ऑफिस जो है वो बस से जाता है क्योंकि उसके पास ही डजंट हैव अ बाइक और कार, आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके पास बाइक नहीं है या उसके पास कार नहीं है. सो यहाँ पर उसका मतलब है उसके अधिकार में या उसके इस्तेमाल में नहीं है. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल वी सॉ वॉज आई हैव इनफ मनी टू बाय अ न्यू हाउस, मेरे पास काफ़ी पैसे हैं, इतने हैं कि मैं एक नया घर खरीद सकती हूँ. और सेकेंड सेंटेंस हमने देखा मोहित गोज़ टू ऑफिस बाय बस, मोहित बस से ऑफिस जाता है क्योंकि उसके पास बाइक या कार नहीं है. ही हैड अ विंटेज कार, उसके पास विंटेज कार थी. अब यहाँ पर क्योंकि हमने पास्ट यूज़ किया है, हैज़ हैव का पास्ट फॉर्म, दैट इज़ हैड, ही हैड अ विंटेज कार, उसके पास एक विंटेज कार थी. अब विंटेज कार क्या होता है, वो पुराने ज़माने की गाड़ियाँ जो हम अब इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं. यूजुअली आजकल आपको रोड पर इस तरह की गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी, इन कार्स को विंटेज कार कहा जाता है. सो विंटेज कार वो है जो शायद ब्रिटिश पीरियड में या मे बी उसके बाद इंडिपेंडेंस के इमीडिएटली बाद भी यूज़ होती थी. सो उन कार्स को कहा जाता है, ही हैड अ विंटेज कार, उसके पास विंटेज कार थी, मतलब अब नहीं है. अगर आप यहाँ पे बोलती हूँ मैं ही हैज़ अ विंटेज कार, इसका मतलब उसके पास विंटेज कार है. बट यहाँ मैंने सेंटेंस दिया था ही हैड अ विंटेज कार, यानी कि उसके पास विंटेज कार थी, अब नहीं है. नेक्स्ट सेंटेंस सेज दे विल हैव बॉट अ कैमरा, वो लोग कैमरा खरीद चुके होंगे. दे विल हैव बॉट अ कैमरा, राइट. सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कैमरा खरीदने की. नेक्स्ट सिचुएशंस और कंडीशन इज इट इज़ यूज टू शो सम काइंड ऑफ सफरिंग्स और इलनेस. जब हम किसी तरह की सफरिंग्स दिखाते हैं, किसी तरह की बीमारी दिखाते हैं, जब आप किसी चीज़ से परेशान होते हैं, इलनेस, मेडिकल इलनेस से, उसको हम सफरिंग या इलनेस कहते हैं. लाइक मनीष हैज़ हेडेक, मनीष को क्या है, मनीष को बहुत हेडेक है, ही हैज़ हेडेक, मनीष हैज़ हेडेक, आह I have hypertension, if I say, I have hypertension, मुझे hypertension है. Hypertension मतलब जिसे हम normal terms में high BP कहते हैं, high blood pressure, right? High BP या high blood pressure के लिए actual term है hypertension. So I have hypertension, Manish has headache, Manish को headache है. युवराज सिंह हैड कैंसर, युवराज सिंह को कैंसर था, अब नहीं है. हम सब जानते हैं दैट आफ्टर द वर्ल्ड कप 2011 ही वॉज डायग्नोज्ड विद कैंसर, बट राइट नाउ ही डजेंट हैव कैंसर, राइट. सो ही हैड कैंसर, युवराज सिंह हैड कैंसर. द नेक्स्ट कंडीशन दैट वी यूज वेयर वी यूज हैज और हैव एज अ मेन वर्ब इज to show some kind of quality or feature of something. किसी चीज़ की आप quality बताते हैं या किसी चीज़ का features के बारे में बताते हैं, तो उस case में भी हम has have को use करते हैं. My boss has tremendous guts. मेरे boss के पास बहुत ही tremendous guts हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा guts हैं. सो वो कोई भी काम करने से डरते नहीं हैं. सो ही हैज़ ट्रमेंडस गट्स, तो ये उनकी एक क्वालिटी है जो हम बता रहे हैं. जैसे हम बोलते हैं दैट अगर आप कोई नया फ़ोन ख़रीदते हैं तो उसमें कहते हैं दिस फ़ोन हैज़ व्हाट शुड आई से, दिस फ़ोन हैज़ 32 GB मेमोरी. तो वो क्या है, वो उसका एक फीचर है कि उस कैमरे की जो स्टोरेज मेमोरी स्पेस है वो 32 GB है, या हम कहते हैं कि इसका इतना मेगापिक्सल कैमरा है, दिस फ़ोन हैज़ दिस मच मेगापिक्सल कैमरा. तो वो क्या है, वो उस फ़ोन की क्वालिटी या उस फ़ोन का एक फीचर है.
Next sentence is like Prime Minister Narendra Modi has a vibrant personality. Vibrant means very pleasing personality. Unki jo personality hai wo bahut vibrant hai, wo logon ko bahut impress kar sakte hain. So ye kya hai? Ye unki ek feature ya ek unka quality hai. या मान लीजिए आपने कोई लड़की देखी और उसके बहुत लंबे बाल हैं, तो आप क्या कहेंगे? द गर्ल हैज लॉन्ग हेयर. लड़की के लंबे बाल हैं, तो ये क्या है? ये उसकी पर्सनालिटी का एक फीचर है जो है. ये उसका पोजेशन नहीं, लेकिन उसकी एक फीचर है, तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं. Next is, it is used to show some kind of events or celebrations. किसी भी तरह का event हो या कोई celebration हो, उसके लिए भी हम has have को as a main verb use कर सकते हैं. So देखें example के साथ. Today Romy has a party at his office. आज Romy के office में party है. Today Romy has a party. तो पार्टी क्या है? ये एक तरह का सेलिब्रेशन, एक इवेंट, एक ओकेजन है जो है. सो उसके लिए भी हम हैज हैव को एज अ मेन वर्ब यूज़ कर सकते हैं. आई थिंक यू हैड एन इंटरव्यू यस्टरडे, हाउ वाज इट? आह, मुझे लगता है कल तुम्हारा इंटरव्यू था. क्योंकि यहाँ पर हम पास्ट यस्टरडे की बात कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली आपका जो वर्ब है वो पास्ट हो जाएगा. I think you had an interview yesterday. How was it? वो कैसा था? So मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अरे कल तुम्हारा, if I say okay, you had an exam. How was it? आपका कल exam था या you had an exam? Exam था, वो कैसा था? कैसा हुआ? How was it? So उस केस में हम यहाँ पर एक event, एक celebration, एक occasion की बात करते हैं, तो उस केस में हम has और have को as a main verb use करते हैं. Next, it is also used to show some kind of relationships. किसी भी तरह का रिश्ता दिखाने के लिए, relation दिखाने के लिए हम has या have को use करते हैं. Like, he has a very pretty wife. उसकी जो wife है वो बहुत सुंदर है. He has a very pretty wife. तो यहाँ पर ये relation बता रहा है उसका, उसकी wife के साथ. He has a very pretty wife, right? I have a daughter and she is 7. मेरी एक बेटी है जो 7 साल की है. I have a daughter. तो ये एक रिश्ता दिखा रहा है. क्या है? बेटी है. He has a son. उसका एक बेटा है. सो इस तरह से आप रिलेशन बताने के लिए has have को हम as a main verb use करते हैं. Like if I say how many siblings do you have? Like I said how many siblings do you have? आपके कितने siblings हैं? Sibling मतलब भाई बहन. Usually देखिए, अगर आप किसी को नहीं जानते तो आपको नहीं पता कि वो भाई भाई हैं या बहन बहन हैं. So उस केस में to be on the safer side हम use करते हैं siblings. Sibling means भाई and बहन. So how many siblings do you have? आपके कितने भाई बहन हैं? सो हम यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे भी हमने हैव यूज़ किया क्योंकि ये रिलेशन जानना चाहता है. सिबलिंग्स भाई बहनों के साथ आपका एक रिश्ता होता है. देन वी ऑल्सो यूज़ योर हैज़ हैव एज अ मेन वर्ब टू शो सम काइंड ऑफ फीलिंग्स और थॉट. सो उस केस में भी किसी तरह की फीलिंग्स और थॉट्स को दिखाने के लिए भी हम हैज़ और हैव को यूज़ करते हैं एज अ मेन वर्ब. लाइक He has a strong intuition that his friends would visit him today. उसको एक बहुत strong feeling या एक intuition है. Intuition होता है जब आपको लगता है कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है. तो उस केस में हम has को as a main verb use करते हैं. He has a strong intuition that his friend would visit him today. उसको एक बहुत strong intuition है कि आज उसके जो friends हैं वो उसे visit करेंगे. So that is where we have used has as the main verb. Then it is also used to show somebody with you. जब हम किसी का साथ दिखाते हैं, आपके साथ या किसी के साथ, तो उस केस पे भी हम have को use करते हैं as a main verb. Like Kim feels sad
when she does not have anyone to blame. किम जो है वो हमेशा sad feel करती है, वो हमेशा उदास रहती है जब उसके साथ कोई नहीं होता खेलने वाला. So Kim feels sad when she does not have होना, किसी के साथ होना. She does not have anyone to play with. उसके साथ जब खेलने वाला कोई नहीं होता तो वो बहुत sad feel करती है. Then is we have some guests at home. हमारे घर पर कुछ मेहमान हैं, हमारे घर पर कुछ मेहमान आए हैं. So we have some guests at home, right? तो यहाँ पर भी ये साथ की बात बता रहा है, right? तो यहाँ पर भी हम साथ की बात कर रहे हैं. That is we have some guests at our home. Then we can say that it is also used to show some kind of eating or drinking. जब हम कुछ खाने की या कुछ पीने की बात करते हैं तो उस केस में भी हम हमेशा has या have को use करते हैं. जैसे would you like to have some more coffee? क्या तुम कुछ और coffee लेना चाहोगे? So would you like to have? यहाँ पर देखिए हम कई लोग हिंदी में तो हम क्या पियेंगे बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम आपके घर कोई आए तो आप उनसे क्या पूछते हैं कि आप क्या लेंगे, राइट? आप ये नहीं पूछते आप क्या पियेंगे, चाय या कॉफ़ी. यूजुअली हम लोग बोलते हैं आप क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी, या आप क्या लेंगे, ठंडा या गर्म. सो व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, समथिंग कोल्ड और हॉट, और व्हाट वुड लाइक टू हैव, सम टी और कॉफ़ी. हम हैव का मतलब यहाँ पर है पीना. तो रादर देन सेइंग व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, हम ड्रिंक की जगह पर हम हैव को यूज़ कर रहे हैं. उसी तरह से अगर आप इस सेंटेंस नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, टुडे आई वुड हैव इटालियन फूड, आज मैं इटालियन फूड खाऊंगी. सो रादर देन सेइंग टुडे आई वुड ईट इटालियन फूड, हम यूज़ कर रहे हैं टुडे आई वुड हैव इटालियन फूड. अब अगर आप देखते हैं लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग कभी मैकडोनल्ड्स या डोमिनोज या कहीं भी इस तरह के फास्ट फूड जॉइंट्स में गए हों, तो वो आपसे पूछते हैं सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, राइट? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, राइट? वो ये नहीं पूछते, या हाँ हैव की जगह वो ऑर्डर भी पूछ सकते हैं, बट वो नॉर्मली पूछते हैं सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेंगे. अगर बाई चांस वो आपसे पूछे वुड लाइक टू ईट, आप क्या लेंगे, पता चला आप वहाँ कुछ खाने नहीं सिर्फ कुछ पीने गए हैं लाइक सॉफ्ट ड्रिंक या कुछ भी, तो उस केस में प्रॉब्लम है. अगर वो आपसे पूछते हैं सर वुड यू लाइक टू ड्रिंक, पता चला आप वहाँ कुछ पीने नहीं बल्कि कुछ खाने गए हैं. सो दे ऑलवेज आस्क यू वुड लाइक टू हैव, आप क्या लेंगे. उस केस में आपका खाना और पीना दोनों इंक्लूडेड हो जाता है. तो मान लीजिए आपने ऑर्डर किया आई वुड लाइक टू हैव वन पिज़्ज़ा, आई वुड लाइक टू हैव वन बर्गर. सो आप अपने हिसाब से कुछ भी बोल सकते हैं. आई वुड लाइक टू ईट नहीं बोलेंगे, आई वुड लाइक टू हैव बोलेंगे. तो आंसर करेंगे आप आई वुड हैव, उसके बाद आप जो भी आप ऑर्डर करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं. सो यहाँ पर हमने देखा ये कुछ एग्जाम्पल्स के साथ कि किस तरह से हम हैव को एज अ मेन वर्ब यूज़ कर सकते हैं. और अगर आप नहीं कर रहे हैं इन एग्जाम्पल्स को देखकर, इन कंडीशंस को देखकर, देन प्लीज़ स्टार्ट यूजिंग हैव एज अ मेन वर्ब, ताकि आपके बोलने में आपकी ज़्यादा एक अच्छा इम्प्रेशन बन सके. अब इस प्रेजेंटेशन के बाद या इस लेसन के बाद आप लोग खुद कोशिश कीजिए हर उसके लिए, हर कंडीशन के लिए एटलीस्ट एक या दो दो सेंटेंस बनाइए. और आप चाहें तो आप हमें भी भेज सकते हैं, वी कैन गो थ्रू दैट. और अगर कोई प्रॉब्लम हो देन वी कैन टॉक अबाउट इट इन योर नेक्स्ट वीडियोस, नेक्स्ट चैप्टर्स. सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा द यूजेज ऑफ हैज़ और हैव एज अ मेन वर्ब इन योर इंग्लिश language. Now, after this, after the usage of has and have, hamara next video jo aayega wo hoga hamara usage of get. So please tune in to our channel, tune in to our company's address, website for further information or further lessons about get and about other things. Thank you.